हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी हैदराबादी मिर्ची का सालन की रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी, आप सब ज़रूर से ट्राई करें। और बहुत ही इजी है इसे बनाना। और सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन ज़रूर से ऑन करें ऑल में क्लिक करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हैदराबादी मिर्ची के सालन की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं मेन इंग्रेडिएंट आप सबको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा टेबलस्पून खोपरा, जो सूखा नारियल होता है, और 2 बड़ा टेबलस्पून मूंगफली, और 2 बड़ा टेबलस्पून हम लेंगे सफ़ेद तिल। इस तरह से मैंने एक एक टेबलस्पून रखा है तिल को अलग से। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने ली है, और हरी मिर्चों को अच्छे से आप धो के एक कपड़े से आप पोंछ लीजिए। और उसके बाद इस तरह से मैंने, ये देख सकते हैं आप, हरी मिर्च में मैंने स्लिट लगाया है। इसकी डंठल मैंने हल्की सी ऊपर से हटा दी है, और इस तरह से आप हरी मिर्चों को थोड़ा सा स्लिट लगा लें। स्लिट मैंने यहाँ इसलिए लगाया है, जब हम हरी मिर्चों को तेल में फ्राई करेंगे तब ये जो हरी मिर्चें हैं तेल में फटती नहीं हैं, तो ऐसा आप ज़रूर से करें। और सालन बनाने के लिए आप मोटी हरी मिर्च का ही यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर ली है, तो उसमें हमें लेना है मूंगफली, खोपरा और सफ़ेद तिल। ये तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। हमें इसमें बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो जो खोपरा और तिल है बहुत अच्छी तरीके से भून गई है, और मूँगफली भी अच्छे से भून गई है। तो अब इसे एक इस तरह से खाली प्लेट में निकाल लीजिए, और इसे हमें बिल्कुल ठंडा करना है। 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक प्लेट में अलग निकाला था। तो इसके साथ ही में हमें 2 हरी मिर्ची भी पीसना है, इसका एक पेस्ट बनाना है हमें। तो मैंने एक छोटे ग्राइंडिंग जार में इन सारी चीज़ों को ले लिया है, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरह से आप एक फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें। अब हमें क्या करना है, आप एक कढ़ाई गरम कर लीजिए, और उसमें हमें लेना है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों को आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आने तक का आप फ्राई कर लें। इस स्टेज में बहुत ज़्यादा जो हरी मिर्चें हैं एकदम तेल में जाने के बाद थोड़ी सी चटकती है, तो इस टाइम आप लिड लगा के हरी मिर्चों को फ्राई कर सकते हैं। और हरी मिर्च को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इस तरह से फ्राई करके निकाल लें। तो चलिए चेक करते हैं, ये अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा जो कलर है अभी और इसका आना है। तो इस तरह से आप अच्छे से एक बार मिला लें, मिर्चों में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/3 स्पून जितना नमक ऐड किया है। नमक मैं लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो मिर्चें हैं फीकी ना रहें खाने में। तो एक बार मिलाने के बाद आप इसे एक अलग प्लेट में निकाल लें। तो ये मैंने निकाल लिया है सारी हरी मिर्चों को एक प्लेट में। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक कढ़ाई में आप ले लिए 2 बड़ा टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राई, और मैंने लिया है कुछ 10 से 15 दाने मेथी दाना, और कलौंजी हम लेंगे 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार क्रैकल हो जाने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज यूज़ कर रही हूँ। प्याज को हमें हल्का लाइट पिंक कलर आने तक का सॉटे करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये मैंने ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। दो मिनट के लिए अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को भून लें, और उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को एक बार अच्छी तरीके से आप भून लें। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये पेस्ट बनाया है
वो सारा पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ में ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, मैंने यहाँ पे करीब 1/3 कप पानी ऐड किया है। याद रखिएगा सालन में हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जिस प्लेट में मैंने पेस्ट रखा हुआ था तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसमें मैं मिला रही हूँ और टोटल मैंने पानी यहाँ पे 1/2 कप जितना पानी इस सालन में ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से बॉईल आने दें। ग्रेवी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गई है तो अब हम इसमें 1/4 कप इमली का पल्प ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें इमली का पल्प ऐड कर सकते हैं, जो खट्टा फ्लेवर आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सालन में। अब अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम इसे बॉईल आने देंगे। अब आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दें और साथ ही में इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून जितना ऐड किया है इस ग्रेवी में, वो पार्ट मुझसे स्किप हो गया है, तो आप इसमें कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करें। तो अब इसमें हमें ऐड कर देना है ये जो हमने हरी मिर्चें फ्राई करके रखी हुई हैं, ये ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिला के आप इसे ढक्कन लगा के जब तक हमारी हरी मिर्चें हैं अच्छे तरीके से गल ना जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी थोड़ी सी पतली है और मिर्चें जो हैं हल्की सी अभी भी और पकनी बाकी है। तो एक बार और हम इसे लिड लगा के पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्ची का सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जो ग्रेवी है हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए है, बहुत ज़्यादा आप इस ग्रेवी को पतला मत रखिएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इतनी ही ग्रेवी को हमें थिक रखना है और मिर्चें जो हैं वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और गर्मा गर्म इस सालन को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ट्रेडिशनली मिर्ची का सालन बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आप इस रेसिपी को पराठे के साथ या रोटी के साथ भी ज़रूर से खा सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।